एक मिनट के लिए वेट करना है। मैंने सॉल्व कर लिया। यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट वाला बताओ कौन सा सर्किट कैसा है। सर ये है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। सर नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। यस सर। तो अब इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे आता है। वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आरएफ ऑन आर इनटू वीआई अपॉन आर। यस सर। v1 इनटू कर देंगे 250 किलो ओम, 2.4 किलो ओम और 120 माइक्रो। सारी वैल्यूज पुट करोगे आंसर फाइंड आउट कर। ठीक, वन प्लस 240 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस। ये आंसर कितना आया था पहला वाला। सर 0.25। सर माइनस 0.25 वोल्ट। सर माइनस 0.25 है। माइनस। यस सर। माइनस 2.5। यस सर। सॉल्व कर। सर ये आएगा 0.01212 वोल्ट। 0.01212 वोल्ट। यस सर। सभी का आ रही है। कोई ऐसा जो इनको इसको कर नहीं पा रहा। सर माइक्रो वोल्ट में भी तो लिख सकते हैं ना। क्या हुआ बेटा। सर माइक्रो वोल्ट। माइक्रोवोल्ट क्या मतलब। अच्छा माइक्रोवोल्ट में आंसर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसा पूछ रहे हो। yes. हाँ बिल्कुल, इसको कन्वर्ट कर लो। ये क्या होगा 1210 माइक्रोवोल्ट। माइक्रोवोल्ट। यस सर। लास्ट वाला सर्किट, नेक्स्ट वाला सर्किट बताओ कौन सा है। सर ये समिंग एम्पलीफायर है। इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है। V1 yes, V2 गिवन है। यस सर। ठीक। यस सर। आरएफ है तो अब इसका आउटपुट yes, क्या आता है। वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आरएफ upon R1 plus V1 into V1 plus upon RF upon R2 into V2. Values put karo, answer nikal. Yes, sir. माइनस आर एफ वी वन बाई आर प्लस वी टू बाई आर 330 33। इसमें V1 V2 इन दोनों क्वेश्चन में C और D पार्ट में V1 V2 नहीं गिवन है तो
अपने पास लिख लो V1 is equal to 5 volt और V2 is equal to 10. So 380 minus 380 volt. Yes, sir. सर 33 वोल्ट सर माइनस 33 वोल्ट एक बार कैलकुलेशन चेक करो Yes, sir, minus 380. Yes, sir, minus 380 volt. Last question. या तो तुम इसको इस तरह से कर सकते हो जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया. Yes, sir. दूसरा तरीका एक ये भी है कि यहाँ देखो 10 वोल्ट है यहाँ 5. ठीक, एक बार ऐसा करो, अज्यूम करो कि ये 10 वोल्ट नहीं लगा और इसको जीरो ग्राउंड मान. ठीक, अब ध्यान से देखोगे तो ये कुछ हद तक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा. यस सर. और दूसरी बार में ये करो कि 5 वोल्ट को ग्राउंड कर दो और यहां पे 10 वोल्ट अज्यूम कर लो, देन आउटपुट निकाल लो और दोनों के आउटपुट्स को ऐड करो. ठीक, जो भी लोग इस प्रोसेस पे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन यही है कि उस प्रोसेस में जाने में गलतियों के चांसेस होते हैं कभी कभी अगर आप कुछ चीजें ध्यान नहीं दे पाए. ठीक, तो बेटर है हम लोग अगर एक प्रोसेस लेके चल रहे हैं तो एक ही प्रोसेस लेके चलते हैं. ठीक है, आप चाहो तो सुपरपोजिशन लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं. एक बार हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि V1 जो है वो ग्राउंड कर दिया है हमने, केवल V2 लगाओ. ठीक, अब देखो ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा भाई, इधर साइड पे पूरे एरिया में कहीं कोई पोटेंशियल ही नहीं लगा है, यानी ये 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट हो जाएगा. ठीक, तो V01 हमें क्या मिलेगा भाई, इस समय ये बिहेव कर रहा है इनवर्टिंग इनवर्टिंग एम्पलीफायर की तरह, तो VO1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर एफ अपॉन आर इनटू V1 यानी 100 किलो ओम अपॉन 100 किलो ओम मल्टीप्लाई बाई V1. यहाँ पे V2 लिखा हुआ, हाँ, तो V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट. ठीक, क्योंकि यहाँ पे V1 था. V1 is equal to
ठीक, एक बार वी ओ वन हमने निकाल लिया, फिर क्या करेंगे हम दूसरा स्टेप टू लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड से हटाएंगे, अब हम इसको ग्राउंड करेंगे V2 को, V1 पे V1 वोल्टेज अप्लाई। अब हम क्या करेंगे, VO2 फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस RF अपॉन R1 इनटू V1 से, और देन जो आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना होगा वो कैसे आएगा, VO1 प्लस VO2 से। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक बार में एक ही सोर्स को एक्टिव रख रहे हैं, दूसरे सोर्स को ग्राउंड कर रहे हैं, और वन बाय वन दोनों से आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। आफ्टर दैट टोटल आउटपुट हम दोनों के एडिशन से निकाल लेते हैं। ठीक, जब अभी नेटवर्क थ्योरम पढ़ोगे, नेटवर्क बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां पे एक थ्योरम पढ़ोगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक, ये जो बेसिकली अभी हम लोगों ने किया ये उसी सुपरपोजिशन थ्योरम का ही नतीजा है। ठीक, जब तुम वहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मान लो अगर हमने किसी सिस्टम में, कोई एक सिस्टम है उसमें एक बार हमने V1 इनपुट दिया उससे आउटपुट आया VO1, एक बार V2 इनपुट दिया आउटपुट आया VO2, इनपुट अगर V1 प्लस V2 दोगे तो आउटपुट आएगा VO1 प्लस VO2। ठीक है, अभी इसकी डिटेलिंग में या इसमें नहीं जाते हैं, बस हाँ सिंपली एक ये तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक, और दूसरा तरीका हम लोगों को आता है जैसा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले किया था। ठीक, तो अब तुम्हारा काम है कि ये चारों क्वेश्चन भी ट्यूट कॉपी पे कंप्लीट कर देना। ठीक है, अभी इसको नहीं सबमिट करना है, लेकिन जब हम बताएंगे तब इसको दोबारा से रीसबमिट कर देना। सर जिन्होंने सबमिट कर दिया था उतना ही छोड़ के, मतलब हाँ, पूरा हाँ, करने के बाद मैंने भी, ओके सर, हाँ हाँ कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी तक जितना कुछ डिस्कस हुआ उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर लो, और सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, अगर अटेंडेंस मार्क कर दी है क्वेश्चन 6 के सेकंड सेकेंड पार्ट में सर, सेकेंड पार्ट में क्या दिक्कत है, अरे सर 200 के सारे में सर ऐसा समझ नहीं आ रहा सर, उसमें ऐड होगा ना सर जब माइनस v इन और माइनस v जो क्वेश्चन था सर, याद नहीं होता, यहां आते हैं। हां ठीक है, इसमें यस सर, ये तो सर माइनस 20 होगा ना सर, यहां दोनों, ये देखो 20,000 multiply by 20 minus 10 यानी 10 into 10 to the power minus 10, यही आया होगा ना negative, sir negative नहीं होगा क्योंकि sir negative volt है sir, तो sir negative volt है मतलब sir ऊपर वाले में हम लोग add किए थे उसको, एक अच्छा हाँ हाँ sir sir minus मैंने गलती से देखा नहीं तो उसमें problem हो गया, समझ रहे sir problem गया था। Yes, ठीक, तो फॉर्मूला यही लगना है, V not is equal to A V in 1 minus V in 2। ठीक है, बस ध्यान तुम्हें रखना है, सॉरी V in 2 minus V in 1। ठीक है, बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि V in 2 और V in 1 की वैल्यूज के साइन भी साथ में रखने हैं, है ना। और किसी को कोई डाउट है, जिनको डाउट नहीं है और अगर अटेंडेंस मार्क कर लिए तो क्लास लीव कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं।